हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस जी अकेडमी। दोस्तों टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के बारे में जो वीडियो था वो हम लोगों ने देख लिया था। और वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इनको देख सकते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है, आज हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपका एक पार्ट है, सेक्सडक्शन है आपका। तो ये सेक्सडक्शन मेनली आपका क्या है कि कॉन्जुगेशन का ही एक आपका पार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंस हो जाती हैं कॉन्जुगेशन से, इस वजह से इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है सेक्सडक्शन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिसकी वजह से हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। दोस्तों सेक्सडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्सडक्शन आपका कॉन्जुगेशन का ही एक आपका पार्ट है। जैसे कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा था कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था, यानी कि जो जिसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, तो जो आपका सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, तो उसका ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो रहा था कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला था, कॉन्जुगेशन बोला था। अब देखिए जो सेक्सडक्शन है आपका, सेक्सडक्शन के बारे में सबसे पहले जैकब एन हेडलबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे आपके, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था सेक्सडक्शन होता क्या है और एक इसकी प्रोसेस में किस तरीके से बैक्टीरिया में क्रोमोसोम एक्सचेंज होता है। इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं इसी सेक्सडक्शन वाले, और इस जो कंजुगेशन था इसमें हम लोगों को इन्हें पढ़ा था। अगर F प्लस की बात हम लोग करते हैं, ये हमारे जो चार पॉइंट हैं लिखे हुए हैं, F प्लस, F माइनस, एच एफ आर और F प्राइम या F डैश जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो F प्लस का मतलब होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें आपका ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ये जिसमें प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, F प्लस बैक्टीरिया कहते हैं। और F माइनस बैक्टीरिया वो होता है जिसमें आपका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है नहीं प्रेजेंट होता है। तो इस बेसिस में एफ प्लस को हम लोग मेल बोल देते हैं, यानी कि जिसमें आपका ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड प्रेजेंट हो गया, फिर एक्स्ट्रा जीनो क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग मेल बोलते हैं, और जिसमें आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पर क्या उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। उसी तरीके से हम लोग एच एफ आर की अगर बात करते हैं या फिर एफ प्राइम की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ये आपके फॉर्मेशन होते हैं सेक्सडक्शन की प्रोसेस के बीच में ही आपके फॉर्मेशन होते हैं। एच एफ आर का मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी मेल, और एफ प्राइम का देखिए एच एफ आर का डायग्राम आपका ये यहाँ पर दे रखा है। एच एफ आर में क्या होता है कि जब सेक्सडक्शन की प्रोसेस होती है, सेक्सडक्शन की प्रोसेस का रिजल्ट ही होता है कि आपको वहाँ पर एफ आर या फिर जो एच एफ आर होता है इसका फॉर्मेशन होता है, या जो एफ प्राइम होता है इसका फॉर्मेशन होता है। अब प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि जब F प्लस और F माइनस के बीच में आपका जो एक्सचेंज होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल का, तो ये दोनों के दोनों जो बाद में क्या होते हैं कि F प्लस में यानी मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो उस टाइम पे मान लीजिए कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई दोनों बैक्टीरिया के बीच में, ये वाला बैक्टीरिया आपका F प्लस है और ये वाला बैक्टीरिया क्या है कि F माइनस है। इसमें क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सचेंज नहीं हो पाया और किसी रीजन की वजह से ये आपका ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने की वजह से होता क्या है कि इस वाले बैक्टीरिया में कंप्लीट ये नहीं जा पाता है। तो जब ये कंप्लीट नहीं जा पाएगा तो ये करता क्या है कि ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ में क्या कर लेता है, ये अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाता है तब ये किसका फॉर्मेशन करता है, एच एफ आर का फॉर्मेशन करता है। तो एच एफ आर का मतलब होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी मेल। अब हाई फ्रिक्वेंसी मेल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप देखिए हाई फ्रिक्वेंसी मेल में क्या होता है कि ये जो रेड वाला है ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, और जो ब्लू वाला है वो आपका क्या है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर प्लाज्मिड वाला जीनोम है। तो यहां पर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों जो पॉइंट होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम के, ये आपस में जुड़ते हैं आकर के। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने पर ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाता है। तो इसी जो इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं जो इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में बनते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एच एफ आर कहते हैं। आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि जब इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है तो इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन के बाद का जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सडक्शन कहते हैं। तो सेक्सडक्शन में हमारा एच एफ आर का पहले फॉर्मेशन होता है। तो एच एफ आर में क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी मेल में, तो ये एच एफ आर वाला बैक्टीरिया जब किसी दूसरे बैक्टीरिया के संपर्क में आता है या फिर दूसरे बैक्टीरिया के साथ में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है, तो इस ये जो बैक्टीरियल जीनोम होता है ये बैक्टीरियल जीनोम अपने इन दोनों एंड से आपस में जुड़ता है।
है, और जुड़ने के बाद में क्या होता है कि जब नया बैक्टीरिया बनता है तो उसमें इस तरीके के बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है जिसमें बैक्टीरियल जीनोम तो होता ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो प्लाज्मिड वाला जीनोम था, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल था, उसके साथ में थोड़ा सा बैक्टीरियल जीनोम भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके की जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एफ प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पर आपके दो ये मेन पॉइंट है, एचएपआर और एफ प्राइम, इन दोनों के बारे में याद रखिएगा कि सेक्स रिडक्शन के प्रोसेस में ही एचएपआर और एफ प्राइम का फॉर्मेशन होता है। सेक्स रिडक्शन के प्रोसेस में मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जब आपका इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन होता है तो इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स रिडक्शन कहते हैं, यानी कि जो सेपरेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उसी को ही कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का ही रिजल्ट होता है कि आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एचएफआर का फॉर्मेशन होता है। अब जब एचएफआर जो होता है ये आपका क्या करता है कि जब आपका किसी भी बैक्टीरिया के साथ में फ्यूज करता है, किसी भी बैक्टीरिया के साथ में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए जाता है, तो उस कंडीशन में जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, एफ प्राइम का फॉर्मेशन होता है। एफ प्राइम भी नॉर्मल इन्हीं बैक्टीरिया की तरह एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया में होता क्या है कि उस बैक्टीरिया में बैक्टीरियल जीनोम तो होता ही होता है, बैक्टीरियल जीनोम के अलावा जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल में क्या होता है कि थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में आपका क्या होता है कि बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके का जो बैक्टीरिया होता है, यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया में आपका क्या है कि ये आपका बैक्टीरियल जीनोम भी प्रेजेंट है और बैक्टीरियल जीनोम के अलावा आपका कुछ ऐसा पार्ट भी है कि जिसमें आपका ये यहाँ पर आपका प्लाज्मिड भी है, यानी कि प्लाज्मिड का हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी बोल लें और ये यहाँ पर आपका बैक्टीरियल जीनोम भी है। तो जहाँ जब हमारी ये तीनों चीज़ें आपस में एक साथ होंगी जिस बैक्टीरिया में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये सेक्स रिडक्शन की जो एक छोटी सी प्रोसेस है ये समझ आ गई होगी आपको। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एचएफआर और जो एफ प्राइम होता है इनका फॉर्मेशन कब और कहाँ होता है। तो एचएफआर का फॉर्मेशन तब होता है जब आपका इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन होता है, यानी कि जो प्लाज्मिड होता है या फिर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है इसका जब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आपका किसका फॉर्मेशन होगा, एचएफआर का फॉर्मेशन होगा। जब एचएफआर यानी हाई फ्रिक्वेंसी मेल टाइप वाला बैक्टीरिया जब किसी नॉर्मल बैक्टीरिया के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा तो उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, एफ प्राइम का फॉर्मेशन होगा। एफ प्राइम की खास बात यही होती है कि इसमें बैक्टीरियल जो जीनोम होता है वो तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम होता है उसमें स्मॉल अमाउंट में बैक्टीरिया का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इस तरीके का जो भी बैक्टीरिया होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ प्राइम बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक ये सारी की सारी चीजें सेक्स रिडक्शन की जो प्रोसेस है, एक छोटी सी प्रोसेस है, क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारा जो एस जी अकेडमी का पेज है ये आपका फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों जगह पे है, और उसके अलावा यूट्यूब में भी है। तो आप चारों जगह पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि वहाँ पर आपको लाइक करना है हमारे पेज को, और यूट्यूब में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और